बच्चे वो भी पैदा करते हैं, लेकिन ये जीव बच्चे पैदा करते कैसे हैं या अंडे देते कैसे हैं, ये देखकर आज आप भी अपने दांतों तले अंगुली चबाने लग जाओगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। धरती के लगभग सभी जीवों की प्रेगनेंसी टाइम तकरीबन महीनों में होती है, मगर ऑप्सम नाम से जाना जाने वाला ये जीव उन सभी जीवों से अलग है। अलग इसलिए क्योंकि ऑप्सम के बच्चे निषेचन होने के केवल 8 से 13 दिनों के बाद ही पैदा हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, 8 से 13 दिनों का मतलब ये निषेचन से डिलीवरी तक का शायद सबसे कम वक्त होगा। उसके बाद ये बच्चे स्वयं ही मां की धानी में रेंगते हुए जाते हैं, जहां वे कुछ महीनों तक रहकर संपूर्ण विकसित होते हैं। और ये मां कितनी प्यारी और कितने बड़े हृदय वाली होती है, इस बात का पता आप इस मोमेंट से लगा सकते हैं जब ये अपने सारे बच्चों को अपनी बैक पर लादे हुए इधर उधर चलती फिरती रहती है। चलने में और आगे बढ़ने में भले कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन ये मां इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। ऐसी नेक दिल हृदय वाली मां के लिए दिल से लाइक आना चाहिए दोस्तों। हमारी वीडियो की दूसरी घटना की शुरुआत एक आम मगर देखने में बहुत ही अजीब लगने वाले मोमेंट से करेंगे। जो लोग घोड़े या घोड़ियां रखा करते हैं उनके लिए ये सब देखना आम बात हो सकती है, मगर हमारे बहुत से व्यूअर्स ये सब पहली बार देखने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये घोड़ी है जो किसी बेबी हॉर्स को बोन दे रही है। व्हाइट थैलीनुमा जो शैल आपको दिख रही है, असल में इसी में शैल में इसका बेबी हॉर्स जन्म देने तक रहता है, और सही वक्त आने पर ये कुछ इस तरह इस दुनिया में कदम रखता है। जन्म के समय से ही बेबी हॉर्स आकार और साइज में कितना बड़ा होता है ये देखकर खुद हम भी चौंक गए थे। आपको यह सब देखने में कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। सांपों को आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा और कभी ना कभी उसको अंडों के साथ भी देखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। सांप बेशक अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन कुछ बिना अंडों के बच्चों को जन्म दिया करते हैं। और ऐसी प्रजाति और ऐसा दृश्य बहुत कम बार देखने को मिलता है जैसा आपने अभी देखा। देखने में बहुत ही पेचीदा और दिमाग को सुन्न कर देने वाले इस जीव को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सा जीव है। खैर, आपकी नॉलेज के लिए बता दे कि ये लाइव बेयरिंग स्टिंगरेज है, और स्टिंगरेज जो लगभग सभी प्रजातियों में एकमात्र ऐसी स्पीशीज है जो अंडे देने के बजाय डायरेक्ट बेबी को जन्म देती है। इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ही कम, लगभग 5 से 6 महीनों का ही होता है। तब तक ये डेवलपिंग एम्ब्रॉयज को अपनी बॉडी में रखती है जब तक कि वो पूरा तैयार नहीं हो जाता, और जन्म के साथ ही ये बेबी स्टिंगरेज तैरने की स्किल लेकर पैदा होती है। और एक बार में ये लगभग 7 बच्चों को जन्म देने की ताकत रखती है। क्यों है ना कमाल की जीव। हाथी वो जीव है जो धरती पर मौजूद सबसे भारी भरकम जीवों की श्रेणी में आता है। इससे भी बड़ी हैरत में डालने वाली बात है इसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को लेकर। सबसे पहली और विशेष बात कि एक हथिनी का बच्चा उसके गर्भ में 23 से 24 महीनों तक रहता है, यानी कि लगभग 2 साल तक। इस टाइमलाइन के बाद हथिनी धरती पर मौजूद सबसे भारी बच्चे को जन्म देती है। ये दृश्य पहली बार देखने पर दर्शक को विचलित किया जा सकता है। हथिनी खड़े खड़े बच्चों को जन्म देती है। ये वक्त इतना विशेष होता है कि जिसे हर डॉक्यूमेंट्री फिल्माने वाले लोग उसे रिकॉर्ड करने से चूकना नहीं चाहते। खैर, YouTube की गाइडलाइंस के चलते हम इसके विजुअल्स आपको
उतने क्लियरली नहीं दिखा सकते। येलो हेड जो फिश धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसी मछली है जो अपने मुंह को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती बल्कि अंडों को अपने पेट की बजाय मुंह में रखती है, और ऐसा करने वाली ये मेल फिश होती है, फीमेल नहीं। ये एक तरह की कैटफिश होती है और अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। जब एक बार अंडे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये मेल फिश उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। जब तक ये अंडे उसके मुंह में होते हैं वो किसी भी चीज को खा नहीं पाती। आमतौर पर एक समय में ये फिश अपने मुंह में 50 अंडे तक रख सकती है। इन अंडों को विकसित होने में 1 महीने तक का समय लगता है, इसलिए इस समय में वो अपने शरीर की ऊर्जा को ही जीवित रहने के लिए इस्तेमाल करती है। प्रकृति के अनुसार हमेशा मादा ही बच्चे को अपनी कोख में पालती है और जन्म देती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक नर ऐसा भी है जो बच्चे को जन्म देता है। जी हाँ, समुद्र में पाया जाने वाला सी हॉर्स एक ऐसा नर जीव है जो बच्चों को जन्म देता है। समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव का सिर घोड़े जैसी आकृति का होता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहा जाता है, जो एक बार में 2000 बच्चों को जन्म देता है, और इन हजारों बच्चों में सिर्फ 5 से 10 सी हॉर्स बेबीज ऐसे होते हैं जो बड़े हो पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। इसकी आंखें एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में काम करती है। इस जीव की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहाँ नर सी हॉर्स बच्चे को जन्म देता है, और ये तब होता है जब मादा सी हॉर्स अपने अंडे नर सी हॉर्स की थैली में डाल देती है। डिलीवरी का ऐसा तरीका देखकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जिराफ वो जीव है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसके बच्चे पैदा होने की जानकारी रखते हैं। खैर, आपको नहीं पता तो हम बता दें कि जिराफ दुनिया का एकमात्र जीव है जो दुनिया के सबसे बड़े बच्चे को जन्म देते हैं। इससे पहला बच्चा फीमेल जिराफ के गर्भ में 400 दिनों तक रहता है, जो अंदर ही अंदर तकरीबन 6 फीट तक जितना लंबा हो जाता है, जो नॉर्मल ह्यूमंस के औसतन हाइट से भी ज्यादा है। ये बच्चा खड़े खड़े ही दिया करते हैं, जो डिलीवरी के टाइम पर डायरेक्ट ग्राउंड पर गिरता है, लेकिन सॉफ्ट प्लायबल स्कल की वजह से ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। इससे भी चौंकाने वाली बात ये कि बच्चा जन्म के कुछ घंटों के अंदर ही चलना भी शुरू कर देता है। आप लोगों के कहे अनुसार अब वीडियोस एकदम हटके आने वाली है, इसलिए प्यार बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। बाकी एंटरटेनमेंट और नॉलेज से भरपूर इन वीडियोस में कहीं कोई कमी आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।